तो जनाब कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। और आज मैं बहुत ही अहम मौजू पे बात करने वाली हूँ। ये जो सोशल मीडिया है, बिलखुसूस फेसबुक, क्योंकि मैं फेसबुक की यूज़र हूँ, तो इस मुतालिक मैंने बात करनी थी आज की वीडियो में कुछ ऐसे अहमकों से रिलेटेड जो कि फेसबुक पे आ जाते हैं लड़कियों के चक्कर में, और उनको पता ही नहीं होता है कि ये आईडी फेक है, ये आईडी फेक नहीं है। बस उनको लड़की की आईडी मिलनी चाहिए, चाहे उसके ऊपर कोई भी आप तस्वीर लगा दें, कुछ भी कर दें, बस लड़के जो है वो पागल हो जाएंगे और आपको इतने मैसेजेस करेंगे। तो मैसेजेस किस तरीके से आते हैं और ये कौन कौन अहमक लोग हैं जिनके पास ये सोशल मीडिया आ गया। यहाँ का मर्द इतना तरसा हुआ है, इस कदर जलील हो चुका है कि उसको आप इनबॉक्स में कुछ भी बोलें उसे फ़र्क नहीं पड़ता। मैं मिसाल के तौर पे आपके साथ शेयर करूँगी कुछ ऐसे मैसेजेस जो मेरे मैसेंजर पे आते हैं और लोग किस तरीके से बातें कर रहे होते हैं, क्या बोल रहे होते हैं। आपको मतलब लगता नहीं है कि आप किसी नॉर्मल इंसान से बात करते हैं, क्या स्टूडेंट हो, क्या बिजनेसमैन हो, क्या अनमैरिड, क्या मैरिड, मतलब कि हर कोई लड़कियों का पागल हुआ हुआ है। स्टूडेंट्स पढ़ते नहीं हैं क्योंकि उन्हें लड़की चाहिए, शादीशुदा लोग अपनी बीवियों से सेटिस्फाई नहीं है, उन्हें भी औरतें चाहिए, मतलब हर किसी को किसी ना किसी की ज़िंदगी के शोबे में औरत चाहिए। और जब स्टार्टिंग होती है ना मैसेंजर पे, मतलब कि अगर आप बहुत सारे लोगों से बात करते आ रहे होंगे जो लोग इसके यूज़र हैं, मुझे तो उनके सवालात भी याद हो चुके हैं। अप्रोक्स हर आपसे, हर वेबसाइट से, हर आपके पास जो भी फ्रेंड आएगा वो आपसे एक ही तरीके से बात कर रहा होगा। अगर आपने अननोन लोगों को ऐड किया हुआ है ना, तो फिर आप समझ लें कि सवाल किस तरीके से आने वाले हैं आपके पास। पहला क्वेश्चन होता है हाय, या तो होता है सलाम, और जैसे ही आप इसका जवाब देते हैं अगला स्टूपिड क्वेश्चन आता है हाउ आर यू, कैसी हैं आप। अरे उल्लू के पट्टे, अगर मैं ऑनलाइन हूँ तो मैं रिप्लाई दे रही हूँ हाय का, उसमें जवाब में हाय कह रही हूँ, या मैं सलाम के बदले तुम्हें सलाम कह रही हूँ। तो अगर मैं तुम्हें सलाम के बदले सलाम कह रही हूँ तो इसका मतलब है मैं ठीक ही हूँ ना भाई। और अगर सपोज मान भी लिया जाए कि मैं ठीक नहीं हूँ, तो भैया मैं ऑनलाइन हूँ क्यों, और तुम डॉक्टर थोड़ी ना हो जो मुझे ठीक कर लोगे, तुम कर क्या सकते हो। समझ नहीं आता हाउ आर यू, कैसे हैं आप। अरे आपको हाय का जवाब मिला है तो उसका मतलब है मैं ठीक ही हूँ, तो आप ये सवाल क्यों पूछते हैं। उसके बाद अगला बहुत ही स्टूपिड क्वेश्चन आता है कहाँ से हो। अरे बाबा, उसके इंट्रोडक्शन के लिए प्रोफाइल मौजूद होती है, प्रोफाइल में एक जगह लिखी होती है लोकेशन, आप वहाँ पे जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये बंदी कहाँ से बात कर रही है, किस शहर से मुखातिब है। और अगर शहर का नाम मेंशन हो भी जाए तो फिर एक सवाल आता है किस एरिया से। छत्तीसगढ़ समझाया, एरिया कुत्तों का होता है, लेकिन कुत्तों को समझ में आई तब, वो तो है ही नस्ली कुत्ते, जाहिर औरत के पीछे पड़े हैं, उनको औरत नहीं लगती, उनको लगता हड्डी है, इसको चाट लो। तो वो आ जाती है पूछने कहाँ से हो। अरे कराची, आपको पता चल गया है। अच्छा उसके बाद एक और बड़ी फनी चीज़ होती है, अगर आपने बता भी दिया ना अपनी प्रोफाइल में आप कराची से हैं और आपने उनको बोला जाके प्रोफाइल में जाके रीड कर लो, फिर वो आपसे दोबारा मैसेज में आके तस्दीक कराते हैं आप कराची से हैं। अरे उल्लू के पट्टे, जब ही लिखा है ना कराची से हैं, वरना लाहौर से होंगी, मुल्तान से होंगी, इस्लामाबाद से होंगी, तो क्यों लिखेंगे उस पर। इतने घामड़ मर्द हो चुके हैं, इतने घामड़ हैं ये मर्द कि बस इनसे आप क्या बोले। उसके बाद आपने इनको चलो बता भी दिया और पहले ही मुलाकात में ये चाहेंगे कि मतलब आपके घर पहुंचाएं, मतलब इनकी अल्टीमेट डेस्टिनेशन होती है आपका बेडरूम या आपका वॉशरूम, इतने ज़्यादा तरसे हुए होते हैं ये लोग। अच्छा फिर उसके बाद क्या होगा, फिर आपके पास एक सवाल आएगा, दोस्ती करेंगी। अरे बाबा, आज आप पहला मैसेज कर रहे हो, फर्स्ट मुलाकात है, कोई आपसे दोस्ती क्यों करेगा, दोस्ती को आप लोगों ने मजाक बनाया हुआ है। और अगर एक सवाल पूछ लो ना, क्या आपके घर में आपकी बहन है, तो इनका फौरन जवाब आएगा हमारी तो कोई बहन ही नहीं है। और दूसरा भी रिप्लाई आता है आप गलत मतलब ना लो, मतलब आप किसी की बहन से यही सवाल पूछ लो तो मतलब ठीक है, और यही सवाल कोई पलट के आपकी बहन के लिए पूछ लेता है ना तो मतलब ही उल्टा हो जाता है इनका। मेरी तो ये बात समझ में नहीं आती कि इतनी फारिक आवाम हमारी क्यों है। अच्छा इनको मना करो ना कि मुझे दोस्ती नहीं करनी, फिर उसके ऊपर सवाल आता है क्यों। अरे पापा, जब नहीं करनी तो नहीं करनी, दोस्ती करने का रीज़न होता है, दोस्ती ना करने का क्या रीज़न होता है। भाई एक इंसान आपसे पूछ रहा है आपको दोस्ती करनी है नहीं करनी, अब अगर इंसान मना कर देता है कि उसने नहीं करनी तो ऑब्वियसली सी बात है वो इंटरेस्टेड ही नहीं है। लेकिन इन गधे मर्दों को कौन समझाए,
जितना इनसे बात कर लो, जितना इनको बेइज्जत कर दो, लेकिन ये मैसेजेस करना नहीं छोड़ते। ये देखिए आप मैसेज देख रहे होंगे ना, इस किस्म के स्टूपिड मैसेजेस ये कर रहे होते हैं, मैसेंजर भी पीछे लग जाएंगे। और आप कोई अगर अपनी तस्वीर डाल दें तो इनके कमेंट्स ऐसे आ रहे होते हैं कि बस आप इस तरह की तस्वीर मत डाला करें, ऐसी पोस्ट मत किया करें, आप ये मत किया करें। अरे बाबा तुम्हें लड़कियों की ज़िंदगी में इतना इंटरेस्ट क्यों है? कोई लड़की कैसी भी ड्रेसिंग करके अपनी प्रोफाइल पे कैसी भी तस्वीर लगाती है, आपको तकलीफ़ क्या है? और मज़े की बात मैं आपको बताऊं, अगर आपने अपनी प्रोफाइल पे कोई तस्वीर डाली है ना, चेहरा आपने हाइड कर दिया है, जाहिर है आप नहीं चाहते आपकी आइडेंटिफिकेशन हो, उसके बाद वो आपकी आपसे क्या पूछे थे, ये प्रोफाइल पिक आपकी है? नहीं, तेरी माँ की है, तेरी माँ से लेके लगाई है। अरे बाबा तो अपनी प्रोफाइल पे आपकी अपनी ही पिक होगी ना बाबा। लेकिन लोगों को यहाँ बिल्कुल भी समझ में नहीं आता। चलें, ये सब भी स्टूपिडिटी ना एक लम्हे को बर्दाश्त हो जाती है, लेकिन उसके बाद जो सवाल आता है ना, ओ माय गॉड, मतलब दिमाग के क्या कहना चाहिए, सारे झोले हिल जाते हैं। सवाल क्या होता है, आप मुझसे शादी करेंगी? अरे यार, अभी मैं ना आपको जानती हूँ, ना मैं आपको पहचानती हूँ, ना आपको ये भी नहीं पता कि इसके पीछे वाकई कोई लड़की है या लड़का आपको उल्लू बना रहा है, आप उससे फ़ौरन ऑफ़र कर देते मुझसे शादी कर लें। इतने फ्रस्ट्रेटेड लोग हो चुके हैं, मेरी समझ से बाहर है। मतलब ये लोगों ने स्कूल लाइफ गुजारी है, कॉलेज लाइफ गुजारी होती है, यूनिवर्सिटी लाइफ गुजारी होती है, मतलब लाइफ में इनको लड़की मिलती नहीं है, जो इतने पागल हुए होते हैं मुझसे दोस्ती कर लें। प्लीज़ 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 मुझसे दोस्ती कर लें। यार आप लोग पागल हो चुके हो, मतलब कोई भी लड़की आपसे अननोन क्यों दोस्ती करेगी? और यही लोग होते हैं कि जब इनके घर पे बात आती है ना, इनकी बहनों पे कोई बात आती है, इनकी घर की औरतों पे बात आती है, तो इनकी मर्दानगी जागती है। भाई बहनों के पास तो मोबाइल होना ही नहीं चाहिए, लड़कियों को तो मोबाइल देना ही नहीं चाहिए, लड़कियों से तो ये करना नहीं चाहिए। जब आप अपनी बहन के लिए इतने कॉन्शियस हैं ना, तो ऐसे ही दूसरे की बहन के लिए भी होना ही चाहिए। आप क्यों इनसे दोस्तियाँ कर रहे हैं? जब आप अपनी औरतों को किसी मर्द के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो फिर आप दूसरी औरतों का भी ख्याल करें ना। अच्छा, मज़े की बात क्या आती है, मेरा कोई गलत इंटेंशन नहीं था, तो भाई तो किसी नेक मर्द को देखकर तुम अपनी बहन की दोस्ती करा दो ना सही इंटेंशन से। अब ये गलत इंटेंशन, सही इंटेंशन क्या होता है? जब दो अपोजिट जेंडर में दोस्ती नहीं होती, चले जान पहचान हो, कजन्स हो, समझ में आता है। अभी एक अननोन लड़की से आपको बामुश्किल दो मिनट भी नहीं हुए बात करते हुए, और आप क्या कह रहे हैं, भाई मुझसे दोस्ती कर लो, मुझसे दोस्ती निभा लो। यार वो क्यों करेगी आपसे दोस्ती? आप पागल हो चुके हैं, आपका दिमाग ख़राब है, उनको दोस्तियाँ चाहिए। अच्छा मिल लो, मज़े की बात, डेट पर कहाँ जाना है, आपको कौन से रेस्टोरेंट में लेकर आऊँ, मैं आपको पिक करने आ जाऊँ, फला जगह पर आके मिल लें। अरे बाबा, पहली मुलाकात, पहली मरतब आपकी बात हो रही है, तो वो डायरेक्टली आपसे क्यों मिलेगी? लेकिन यहाँ के मर्द एक तरह से, अगर आप गौर करें, ये लम्हा फिक्रिया है, ये कोई मजाक नहीं है। यहाँ के मर्द पागल हो चुके हैं, ना इनका पढ़ाई में दिल लग रहा है, ना इनका नौकरियों में दिल लग रहा है, ना इनका घरेलू जिंदगी में दिल लग रहा है। सोशल मीडिया क्या आ गया, ये लोग पागल हो चुके हैं, अपने करीबी रिश्तेदारों को छोड़ दिया है, और घर की औरतें तो ऐसा कोई मुँह भी नहीं लगाती है ना। देखें, ये अगर अपनी बहनों को कुछ बोलेंगे, अपनी अम्मी को कुछ बोलेंगे, बोलेंगे बेटा निकल के चले जाओ घर से बाहर, अपनी बीवी पे पाबंदियाँ लगाना, अपनी बीवी पे इनका बस नहीं चलता, बाहर निकल के औरतों के सामने इस तरीके से आते कि इनसे ज़्यादा शरीफ का चौदह कोई नहीं है इस दुनिया में। मतलब यार आप लोगों ने पागल कर दिया है। फेसबुक यूज़ करनी है, सोशल मीडिया यूज़ करना है, औरतों को ज़िंदा रहने दो, औरतों के पीछे क्यों पड़े हुए हो? कोई औरत वहाँ पे कुछ भी कर रही है, कैसी भी पिक लगा रही है, किससे किसी तरह भी पेश आ रही है, वो आपको कह रही है कि डीपी चेंज कर लो, वो आपसे बोली आप क्या करती हो, उसने आपसे पढ़ा आप क्या कर, अच्छा जब आप इनसे बात कर रहे हैं ना, तो बात करने के दौरान भी एक मैसेज आएगा आपके पास ड्यूरिंग द चैट, क्या कर रही हो? अरे बेवकूफ, अगर वो कुछ कर रही होती तो तुम्हें रिप्लाई देती, वो तुम्हें रिप्लाई दे रही है, इसका मतलब फ्री है। इतने नॉनसेंस लोग हो चुके हैं, प्रोफाइल पढ़नी नहीं आती, प्रोफाइल देख कर आएंगे फिर पूछेंगे सिंगल हो मैरिड हो? यार वहाँ लिखा हुआ है, वहाँ मेंशन होता है ऑलरेडी कि सिंगल है, फिर आपकी एज कितनी है? अरे बाबा, सब प्रोफाइल में ऑलरेडी लिखा हुआ होता है, और वहाँ से देख भी लेंगे ना, तो फिर आपसे पूछेंगे आप सिंगल है, आपकी प्रोफाइल में लिखा हुआ था? बेवकूफ, वहाँ पे लिखा हुआ है तो जाके देख लो। अच्छा एक और बात जो एक्सपीरियंस में आती है, क्या कहते हैं आके कि हमने आपकी प्रोफाइल पढ़ी, प्रोफाइल तो फेक भी होती है। अरे तो तू मामू का लड़का है, तू खाला का लड़का है, जो मैं तुझे इनबॉक्स में आके बिल्कुल ठीक बताऊंगी, और मैंने प्रोफाइल गलत बनाई हुई है या मैंने प्रोफाइल पे गलत डिटेल दी है, मैं तुझसे सही डिटेल शेयर करूंगी। कसम से सीधे मुँह इन लोगों से बात करने का दिल नहीं चाहता। जो जो सोशल मीडिया यूज़र इसको सुन रहे हैं, खुदा के वास्ते अपने आप को सुधार लें, और बेवकूफाना हरकतें मत करें। हाउ आर यू, वो ठीक है जब ये ऑनलाइन है, ठीक नहीं होती तो आपको रिप्लाई देती, वो ऑफलाइन होती। तौबा है यार।
बस फिलहाल आज के लिए इतना ही। इस चैनल पे न्यू है तो उसको सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा ताकि मैं मजीद वीडियो आपको ऐसे ही बनाऊं। सॉरी मैं ऐसे ही बोलती हूँ, मैं वल्गर टाइप हूँ, आप जो भी मुझे समझने में टपूरी हूँ, जो भी मैं ऐसे ही बात करूँगी और फर्दर मेरी वीडियोज़ भी ऐसे ही आने वाली है। ओके बाय।